हाउस ऑफ द ड्रैगन के 3 एपिसोड आ चुके थे। पहले में सेट किया गया था कहानी के लिए माहौल, दूसरे में युद्ध का भय तनाव, और तीसरे एपिसोड में हमने देखा था युद्ध। चौथा भी सोमवार से हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है, पर इसमें ना युद्ध है ना ही युद्ध का पूर्वाभास। देखते हैं क्या है इस एपिसोड में। मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। ये एपिसोड विवाह को एक राजनीतिक संस्था के तौर पर चुनौती देता है। दूसरे और तीसरे एपिसोड में रेनेरा का विवाह एक अहम मुद्दा था, पर और यहाँ भी है, पर यहाँ मेकर्स इसे एक अलग स्तर पर लेकर जाते हैं। एक सीन है जहाँ डेमोन और रेनेरा की बातचीत हो रही है। वहाँ डेमोन कहता है कि शादी एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है। रेनेरा उसे जवाब देती है, पुरुषों के लिए ये एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो सकता है, पर महिलाओं के लिए ये एक मृत्युदंड से कम नहीं है। यहाँ समझने जैसा ये है कि HODT कहीं पर भी शादी का विरोध नहीं करता, बल्कि राजनीति के नाम पर दांव पर लगाई जा रही औरतों के पक्ष में खड़े होने की कोशिश करता है। सिंहासनों पर बैठे पुरुष कैसे महिलाओं पर दबाव डाल रहे हैं, विवाह को बंधन बनाना चाह रहे हैं। महिलाएं, या यूं कहें सिर्फ एक महिला इसके विरोध में खड़ी है, और उसका विरोध इतना सशक्त है कि सत्ता का शीर्ष पुरुष भी उसके सामने कई मौकों पर बौना नजर आता है। ये एपिसोड भावनात्मक रूप से कई मामलों में रिच है, खासकर क्वीन एलिसेंट के पक्ष से। वो एक जगह कहती है कि अब भी उसे सिर्फ लेडी एलिसेंट बनकर रहना है, पर सभी उसे क्वीन की तरह ही देखते हैं। एलिसेंट इस मोमेंट पर उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो किसी न किसी टाइटल से जुड़े हुए हैं। उस टाइटल ने उनकी आज़ादी छीन ली है, वो खुलकर बात नहीं कर सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। ये सारी बातें रेनेरा पर भी लागू होती हैं। वो जब शहर में भेष बदल कर घूम रही होती है तो कहती है, न जाने फिर कब ऐसी आज़ादी का स्वाद मैं ले पाऊंगी। इस एक संवाद में बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के मन की टीस है। इसे हम मॉडर्न वर्ल्ड से जोड़कर भी देख सकते हैं, कैसे एक पब्लिक फिगर, कैसे स्टार्स, सेलिब्रिटीज, नेता सड़क पर खुलेआम नहीं घूम सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। HOTD सभी किरदारों की इमोशनल इंडिपेंडेंस से भी डील करता है। सेक्सुअल आज़ादी भी इस एपिसोड का अहम हिस्सा है। सिर्फ पुरुषों की इच्छाएं नहीं होती, महिलाओं की भी सेक्सुअल डिजायर्स हैं। एक बहुत ही बेहतरीन इंटरकट सीक्वेंस है इसमें, जहां दो पैरेलल नरेटिव सेट किए गए हैं। एक तरफ स्त्री आज़ाद है, पूरे शहर में अपनी मर्जी से घूम रही है, दूसरी तरफ एक स्त्री है बिना किसी सेक्सुअल प्रेजर के मशीन की तरह सेक्स कर रही है। मेकर्स ने बहुत स्मार्टली खेला है, आपको आज़ादी और कैद में फर्क साफ नजर आता है। इस एपिसोड में ऐसे कई सारे पैरल नरेटिव हैं, जैसे एक जगह डेथ की बात हो रही है और उसके तुरंत बाद किंग का शॉट आ जाता है, बेहतरीन है वो। अब तक के सभी एपिसोड में से चौथे यानी इस एपिसोड को स्ट्रीट स्मार्ट कहा जा सकता है। इसमें किसी तरह का कोई युद्ध नहीं है, ना ही ड्रैगन है बहुत सारे, ना एक्शन है, पर इसका रचाव बनाओ इस ढंग से किया गया है कि आप कई कई मौकों पर चौंकते हैं। महल के अंदर की पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल नरेटिव है, आपको बहुत चक्का करता है। किरदारों के नए पहलू देखकर आप मेकर्स को दाद दिए बिना नहीं रह पाते। किरदारों के मुंह से बहुत चतुराई से एकदम महीन डायलॉग कहलवाए गए हैं, चाहे वो डेमोन और किंग के बीच का संवाद हो या फिर रेनेरा और एलिसेंट के बीच की बातचीत। अभी तक हम ये देखते आ रहे थे कि रेनेरा का किरदार पॉलिटिक्स से दूर है, पर यह एपिसोड उसे भी वेस्टरॉस और महल की राजनीति का हिस्सा बना देता है। उसके भोलेपन की छवि को तोड़ता है, उसके किरदार में मौजूद कनिंगनेस को उजागर करता है, ये भी स्थापित करता है कि क्वीन के तौर पर उसका चुनाव गलत नहीं है। वो भी शातिर खिलाड़ी है। राजा जो उसके विरोध में है, कुछ देर की बातचीत में वो उन्हें भी अपने पक्ष में कर लेती है। इन सब चीज़ों से एक बात साफ हो जाती है कि रेनेरा का किरदार मैच्योर हो रहा है। कुल मिलाकर ये एपिसोड अब तक का सबसे अच्छा एपिसोड है। ट्रीटमेंट और नरेटिव के मामले में एक नंबर। जल्दी जाइए देख डालिए, हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है। मैं था अनुभव और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा, और कैमरे के पीछे मेरे साथी थे जतिन। लल्लन टॉप का सबसे ठस ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है, लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।